झारखंड और लगातार हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एक घंटे का वक्त बीत चुका है, मतदान शुरू हुए और हमारी लगातार आपसे अपील है कि आप सारे काम छोड़कर आज सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। इस वक्त बड़ी खबर नवादा से, आपको बता दें कि वोटिंग शुरू हुए एक घंटे का वक्त बीत चुका है और इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नवादा से। तो बूथ संख्या 337 पर ईवीएम खराब हो चुका है, लोगों को परेशानी हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं नवादा से, जहां ईवीएम खराब हो चुका है और लोगों को अब वोट करने में यहां पर परेशानी हो रही है। बिल्कुल, तो ऐश्वर्या सुबह से ही हम लगातार 6 बजे से खबरों पर बने हुए थे। मॉक पोल वहां पर कराया जाता है, सब चीज देखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बूथ नंबर 337 पर ईवीएम खराब है तो कहीं ना कहीं उसको ठीक करने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था हुई है, क्यों काम नहीं कर पा रहा है, क्या जिस तरीके से मॉक पोल किया जाना चाहिए उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, क्या वो नहीं की गई है, और जो मतदान में अगर ईवीएम खराब रहता है तो उसको चेंज करने के लिए भी एक वक्त रहता है वहां पर, उस दौरान भी वो क्यों नहीं बदला जा रहा है, ये अहम सवाल है। सवाल ये भी है कि बूथ नंबर 337 पर कब वोटिंग शुरू हो पाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर नवादा से निकलकर सामने आ रही है। कंट्रोल रूम भी पटना में बनाया जाता है, जहां पर इन सब चीजों को देखा जाता है कि कहां कहां किस बूथ से क्या दिक्कत सामने आ रही है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर, बूथ नंबर 337 पर ईवीएम खराब है, यहां पर लोगों को भारी परेशानी हो रही है। तो मतदाता पोलिंग बूथ पर बाहर लंबी कतारों में यहां पर खड़े हैं, लेकिन ईवीएम इस बीच खराब हो चुका है और लोगों को भारी परेशानी यहां पर हो रही है। हालांकि अब देखना होगा कि कब तक यहां पर ईवीएम मशीन को ठीक किया जाता है। बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान शुरू